फ्रैक्शन कौन होंगे? जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। यहाँ डिफिनेशन लिखी हुई है, फ्रैक्शंस हैविंग सेम, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, सेम पास आउट लिख रहा हूं, सेम फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जिस जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर मतलब निचले वाले निचला वाला पार्ट सेम हो, एक तरह का हो, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1/7, 2/7, 3/7, देख रहे हो ना, एग्जाम्पल 1 हो गया। सबके डिनोमिनेटर 7 है, इसलिए ये फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, इसे हमने कहा 1/3, 2/3, 4/3, ठीक है। इसमें भी देखिए सबके डिनोमिनेटर 3 हैं, इसलिए क्या हुआ, ये लाइक फ्रैक्शन। क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, और अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शन इसी का उल्टा हो जाएगा। क्या, फ्रैक्शंस हैविंग अनइक्वल, असमान डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जिसके डिनोमिनेटर अनलाइक हो, अनलाइक का मतलब समान न। एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, 2/5, 3/4, 7/6, 7/6, देखो इसका पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5, दूसरे वाले का 4, तीसरे वाले का 6, इसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसीलिए कैसे फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल 2, 3/7, 5/8, 6/11, देख रहे हो, हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इसको नोट कर लीजिए, बगल हम लोग इसलिए हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप वीडियो रोक करके इसको नोट कर लें, फिर बना लें।